हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह आपको लेकर क्या कल्पना करते हैं, लाइक व्हाट डू दे इमेजिन अबाउट यू, यानी आपके जो पर्सन हैं, जो भी रोमांटिक पार्टनर हैं, वो आपको लेकर क्या इमेजिन करते हैं। ये रीडिंग व्यूअर्स कम्प्लीटली इंट्यूटिव है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। हो सकता है मैच करे, हो सकता है ना करे। सभी जोडियक साइंस के लिए है और सभी उम्र के लोगों के लिए है, ओके? साथ ही साथ ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी, ओके? फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीने या कितने भी हफ्तों बाद पहुंचे हों, आप जब भी इसे देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगी, ओके व्यूअर्स? अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल्ड सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मिस कर पाएं। इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं, सबसे पहले आप उसे देख पाए, ओके? तो ये रही कैंडल, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई जस्ट नीड अ मोमेंट, ठीक है? अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021 और उस पर वही प्रोफाइल फोटो है जो यूट्यूब में है। लेकिन अगर आप मुझे डायरेक्टली फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी कर सकते हैं, ओके? धूप जला लेते हैं, क्लेंजिंग हो जाएगी पहले और फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग करना। What's wrong with this matchbox? वह आपको लेकर क्या कल्पना करते हैं, लाइक व्हाट डू दे इमेजिन अबाउट यू। वैसे यहाँ पर फैंटेसीज बहुत दिख रही है, लाइक सेक्सुअल फैंटेसीज, तो ऐसी कुछ कल्पना है। आपको इमेजिन करते हैं वो, लाइक getting physical and intimate, थोड़ा sexually उनकी कुछ fantasies अगर हैं तो वो ऐसा कुछ imagine करते हैं आपको लेकर। they are very attracted to the shape of your body, ऐसा लग रहा है व्यूअर्स वो इमेजिन करते हैं कि आप उनके साथ नाइट वॉक कर रहे हो, नाइट वॉक या रात हो रही है और आप लोग कहीं वॉक कर रहे हो, ऐसा कुछ इमेजिन करते हैं। यहाँ पर पैशनेट एनर्जी बहुत है, लाइक जैसे वो आपको किस करना चाहते हैं, या किस करने का इमेजिनेशन भी ऐसा लग रहा है यहाँ पर। यस, आपको किस करना भी इमेजिन कर रहे हैं, हो सकता है सपनों में भी आपको किस करते हैं या
आपको कडल करते हैं, आपको हग करते हैं, क्योंकि ऐसी इनकी इमेजिनेशन है। शायद ये एक फिजिकल जेंटल टच चाहते हैं। यस, ऐसा लग रहा है व्यूवर्स की वो आपके साथ मूवी देखना चाहते हैं। आई डोंट नो, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर, लाइक दे वॉन्ट टू वॉच अ मूवी विद यू। उन्हें आपके साथ फिल्म देखनी है, कोई मूवी देखनी है, ऐसा लग रहा है। वो आपको ब्लैक ड्रेस में देखना चाहते हैं या ब्लैक आउटफिट में। इमेजिन करते हैं वो ब्लैक आउटफिट में आपको। यस, हो सकता है आपको ब्लैक पसंद हो या आप पर ब्लैक कलर बहुत जचता हो, तो वो आपको ब्लैक आउटफिट में इमेजिन करते हैं। जैसे ही मैंने बोला है वो आपको ब्लैक आउटफिट में इमेजिन करते हैं, ये स्पार्क करने लगा सडनली। तो व्यूअर्स, यहाँ पर फायर एनर्जी बहुत है, लाइक बहुत अट्रैक्शन पैशन है। मैंने कहा ना कि ये उनकी इमेजिनेशन बहुत ही सेक्सुअल और बहुत ही फिजिकल इमेजिनेशन है इनकी, कि ये आपको टच करना है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव टच है, कोई रॉन्ग इंटेंशन के साथ है, नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये आउट ऑफ पैशन है, आउट ऑफ अट्रैक्शन है। ये जितना ज़्यादा आपके लिए पुल फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ही आपको लेकर इमेजिनेशन कर रहे हैं। फ्लावर्स वो चाहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे फूलों पर आपको लेटाना चाहते हैं, सुलाना चाहते हैं, या आप फूलों पर बैठो, ऐसा कुछ। मतलब जैसे कि आपको सरप्राइज देने की इमेजिनेशन हो, सरप्राइज दें आपको कुछ डेकोरेट करके, और फिर फ्लावर्स ही हों हर जगह, क्योंकि मुझे रोजेस बहुत दिख रहे हैं। रोजेस समवेयर ये भी शो करते हैं कि वो आपको कितना अट्रैक्टिव समझते हैं या आपकी तरफ कितने अट्रैक्टेड हैं। And that's beautiful. Yes. ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ it's very intense. ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ बच्चे चाहते हैं, like 3 kids और like for some 5 kids, पता नहीं। देखिए, मुझे ऐसा, जो मुझे इंट्यूशन मेरी गाइड करेगी, मैं वो आपको बताऊंगी। शायद 3 kids, समथिंग लाइक दैट। 3 बच्चे चाहते हैं शायद वो आपके साथ, ऐसा कुछ इमेजिन करते हैं, लाइक 3 kids। और ऐसा भी है व्यूअर्स के वो नाम सोच लेते हैं कभी कभी, बच्चों को भी नाम क्या रखने हैं, ऐसा सोच लेते हैं। यस, यहाँ पर मुझे एक चैनल्ड मैसेज मिल रहा है। विल यू कुक फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुक करेंगे, खाना पकाएंगे आप मेरे लिए? वो आपसे ही पूछ रहे हैं क्या आप मेरे लिए खाना पकाएंगे। ब्यूटिफुल। यस, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि बारिश में भीगना चाहते हैं आपके साथ। आई कैन सी द क्लाउड्स हियर। बारिश में भीगने की भी कल्पना इन्होंने पहले की हो सकती है, ये करते रहते हैं अक्सर, वो आपके साथ बारिश में भीगना चाहते हैं। या ब्यूटिफुल। They are saying, I love you. Yes. वो व्यूअर्स आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन देखते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेडिटेशन कर रहा है। आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस व्यूअर्स। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई मेडिटेशन कर रहा है, तो वो आपको एज अ स्पिरिचुअल पर्सन बहुत देखते हैं, कि जैसे आप स्पिरिचुअली बहुत नॉलेजेबल हो, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत है। यस, ऐसा ही लग रहा है मुझे यहाँ पे।
हो सकता है ये चश्मा पहनते हो या आप पहनते हो या पहले पहनते थे। हो सकता है इनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो फार्मर फैमिली या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड हो सकता है, लाइक दादाजी या पिताजी या परदादाजी फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, खेत वगैरह हो सकते हैं, गांव वगैरह में घर हो सकता है, आपके साथ हो सकता है या इनके साथ ऐसा हो सकता है। ओके व्यूअर्स, मुझे ये लग रहा है यहाँ पर। और व्यूअर्स, आपको यहाँ पर थोड़ी गणेश जी की थोड़ी आराधना करनी है, थोड़ा ध्यान लगाना है गणेश जी पर, उनकी थोड़ी प्रेयर्स करनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका ये जो कनेक्शन है ये गणेश जी के ब्लेसिंग्स से थोड़ा यू नो प्रोटेक्टेड है या गाइडेड है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। लाइक गणेश जी का आप लोगों के रिश्ते पर आशीर्वाद है या ऐसा कुछ है यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर बार बार ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, यहाँ पर जैसे आकृति जैसे होती है गणेश जी की, ऐसे यहाँ पर मुझे रैबिट्स बहुत दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत फास्ट रन करके ये आपके पास दौड़ कर आना चाहते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं जैसे भाग कर आपके पास आ जाए, बट आ नहीं पाते हैं, आते नहीं हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर कंप्लीटली। मुझे एक सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं, तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं। यस, तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। यस, क्या हुआ तेरा वादा, ये सॉन्ग है व्यूअर्स। उन आपके जो ब्यूटी है ना व्यूअर्स, आपके जो लुक्स हैं वो इनको शीतलता देते हैं, एकदम ठंडक देते हैं, लाइक अ मून, शांति स्वीटनेस, ऐसा आपकी वजह से उन्हें फील होता है। ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स मुझे जैसे कि वो कहीं ना कहीं लोगों को, किसी को बताना चाहते हैं आप लोगों के बारे में, या वो किसी को ये बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, आपको कितना पसंद करते हैं, या तो अपने फ्रेंड्स को बताना चाहते हैं या फैमिली को बताना चाहते हैं, किसी को शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। यस, हो सकता है व्यूअर्स कि आपकी पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी हो या आपके पर्सन की पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी हो कि आपकी उम्र, जैसे आप बड़े हो गए हों लेकिन फिर भी आपको कार्टून देखना बहुत पसंद हो, ऐसा लग रहा है। या तो आपके पर्सन की ऐसी आदत हो सकती है या आपकी ऐसी आदत हो सकती है कि जैसे आपकी उम्र है, बड़ी है, आप मैच्योर हैं लेकिन फिर भी आप कार्टून्स देखते हैं, तो उनको ये बात बहुत क्यूट लगती है, ऐसा मुझे लग रहा है। यस, ऐसा लग रहा है व्यूअर्स जैसे वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं, और फैमिली में पेट्स भी हों ऐसा सोचते हैं, जैसे आप लोगों के साथ वो अपना परिवार बसाएं, आपके साथ शादी करें, और
सॉरी फॉर दिस नॉइस, बट मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है। आपके साथ शादी करें और आपके साथ फैमिली में पेट्स को भी रखें, लाइक ऐसा लगता है कि उनको ऐसा चाहिए कि हमारे बच्चे हों, आप हों और पेट्स हों। उनको पेट्स भी बहुत पसंद हैं ऐसा लग रहा है, या आपको पसंद हो सकते हैं पेट्स, इसीलिए वो रखना चाहते हैं। यस यस, लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने की इमेजिनेशन है इनकी, काफ़ी टाइम से इच्छा हो सकती है इनकी कि आपको लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाएं, लाइक या ये आपको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहते हैं व्यूअर्स अपने साथ। ब्यूटिफुल, तो व्यूअर्स इनकी इमेजिनेशन बहुत ही खूबसूरत है आपके लिए और बहुत ही सेक्सुअल और पैशनेट भी है, लाइक अट्रैक्टेड बहुत ही आपके प्रति, इसीलिए आपको टच करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं। लेकिन इंटेंशंस प्योर हैं, इसीलिए आपके साथ शादी भी इमेजिन करते हैं, आपके साथ फैमिली फ्यूचर इमेजिन करते हैं, रोमांटिक चीज़ें आपके साथ इमेजिन करते हैं। यस व्यूअर्स, ओके नाउ मुझे इतनी ही मैसेज यहाँ मिल रहे थे। ओके हो सकता है व्यूअर्स आपके नाम में या इनके नाम में आर आता हो, आर एस एच आता हो, आई ई ए, आई ई ए डबल ए या फिर सिंगल ए, एस एच आई, ओके एन एम पी, ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके नाम में या इनके नाम में आ सकते हैं जो मुझे यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनके हाथ पर, इनकी कलाई में कोई धागा, यहाँ पर कोई ब्रेसलेट बंधा हो सकता है काफी टाइम तक, कोई कलावा, कोई धागा, कोई ब्रेसलेट। ओके ऐसा नहीं है कि हमेशा बंधा रहता है, पर आपने कभी कभी ऐसा इनके हाथ पर कुछ बंधा हुआ देखा होगा। फॉर नॉट एवरी वन, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए। ओके और इन्हें आपके व्यूअर्स, अगर आप फीमेल हैं तो इन्हें आपकी आंखों में काजल बहुत पसंद है, लाइक उनको लगता है कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, और आप उनको सजा के रखें, लाइक आप उन पर काजल ज़रूर लगाया करें, क्योंकि जब आप काजल लगाते हैं तो उन्हें आपकी आंखें बहुत ज़्यादा और अट्रैक्टिव लगती हैं, और नहीं लगाते हैं तो शायद थोड़ा ऐसा लगता है फीका फीकी सी आँख, सुनी सुनी सी आँखें, यू नो, और मुरझाई मुरझाई सी आँखें, तो चाहते हैं कि आप उन पर हमेशा काजल लगाएं। दैट्स, और अगर वो मेल है तो उन व्यूअर्स, मतलब अगर आप लोग मेल हैं व्यूअर्स, तो उनको आपकी आंखें सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आपके आई लैशेज उनसे भी ज़्यादा घने हैं, आपकी आँखें, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनसे भी ज़्यादा सुंदर हैं, लाइक ऐसा कुछ। अगर आप मेल हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आपके आई लैशेज बहुत ज़्यादा घने हैं। तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिली है, कुछ गाइडेंस मिली है। अगर मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ रीडिंग्स के दौरान, इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके व्यूअर्स, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इजीली मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। ओके आपके कमेंट्स बहुत प्रीशियस हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ओके तो चलिए व्यूअर्स, मिलते हैं हम लोग अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फैमिली।